सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन के बारे में कि कब तक ये लॉन्च होने वाला है, और साथ साथ कुछ और अपडेट्स आई हुई हैं इससे रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ इसमें नई होने वाली है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल के लिए सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्विटर ओपन कर रखा है और यहाँ से एक ट्वीट आया है जो कि आप देख सकते हैं 4 जनवरी का, यहाँ पर लिखा हुआ है वन प्लस नोट 3 में, जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत ही खुशी होने की बात है क्योंकि कई सारे स्मार्टफोन्स में से जो वन प्लस है उसने जो अलर्ट स्लाइडर है वो हटा दिया था, जिससे कि जो यूजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। तो यहाँ पे इसमें आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसमें आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलने वाला है। जस्ट तो ऑक्सीजन OS देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा OS है वन प्लस का, जो कि आप देख ही सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं और कुछ अपडेट्स जो कि आई है। तो ट्विटर से एक और अपडेट निकल कर आई है कि जो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 चिपसेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे ट्वीट आया था जिसमें कि कई सारे स्मार्टफोन बताए गए थे जिनमें कि आपको 8200 का चिपसेट देखने को मिल सकता था, तो उसमें यहाँ पे वन प्लस नोट 3 का भी नाम है। तो मतलब इसमें भी आपको जो वन प्लस नोट 3 है इसमें भी आपको जो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 चिपसेट देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पे मुकुल शर्मा की तरफ से कन्फर्म किया गया है कि उनका कहना है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ बात करें कब तक लॉन्च हो सकता है, तो बताया जा रहा है कि जो स्मार्टफोन है ये आपको फरवरी या मार्च में देखने को मिल सकता है। फरवरी मार्च तक आपको ये 100% देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म न्यूज निकल कर आ रही है। तो अगर आपका भी इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि जैसी नई अपडेट आती है तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा। उसके लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।